स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, थोड़े में ज्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना सब पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्या टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक हमारा काल विभाजन है। ये काल विभाजन जो है हमारा गारसदा तासी के अनुसार है। गारसदा तासी से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम गारसदा तासी के काल विभाजन से क्वेश्चन बनाते हैं, वो आपके लिए कराते हैं। तो आइए करते हैं गारसदा तासी से क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे आपके। इसके लिए आप क्या करें, आप वीडियो को दौड़ाएं नहीं, आपसे अनुरोध है मेरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाती, इसलिए कि आप लोग दौड़ाने लगेंगे तो आप आराम से बैठें, ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक एकदम क्लास जैसी फीलिंग आएगी आपके लिए। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन या काल निर्धारण किसने किया? ठीक है, सर्वप्रथम काल विभाजन या काल निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु 1913 में किया, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर 1870 में इन्होंने किया था, ऑप्शन डी गारसदा तासी 1839 में किया था। लेकिन मैंने यहाँ पे सने भी डाल दी, इससे क्या हो रहा है आपकी सने आप बार बार देखते रहेंगे तो रिवाज होते रहेंगे, क्योंकि सने भी पूछ ली जाती हैं कि कौन से सन में कौन से विद्वान ने काल विभाजन किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सने भी डाल दी है। इससे क्या होगा, आपका ट्यूनियन बन हो जाएगा, बार बार सने रिपीट होती रहेंगी और क्वेश्चन भी होता रहेगा। क्या है क्वेश्चन? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन या काल निर्धारण किसने किया? देखिए आचार्य शुक्ल ये जो चार विद्वान हैं, चारों ने ही काल का विभाजन किया है, पर यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम किसने किया हिंदी साहित्य काल विभाजन सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले यह था हमारे किसने, गारसदा तासी जी ने 1839 में इनका सर्वप्रथम कहा था इन्होंने काल विभाजन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन या काल निर्धारण कौन सी सन में हुआ? देखिए काल विभाजन या काल निर्धारण किसने किया ये कौन सी सन में हुआ, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, सही से क्वेश्चन को पढ़ेगा एग्जाम में। ये ना सोचे कि अरे ये तो काल विभाजन पूछा गया, इसलिए आप थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ें, क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। तो क्या है? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन या काल निर्धारण कौन सी सन में हुआ, यहाँ पे सन पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है? सन। ठीक है, किसने किया ये नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सन 1847, ऑप्शन बी सन 1877, ऑप्शन सी सन 1889, ऑप्शन डी सन 1930। देखिए सबसे पहले काल विभाजन हुआ था सन 1839 में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके अनुसार हुआ था? गारसदा तासी ने किया था। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? गारसदा तासी कहाँ के निवासी विद्वान थे? ठीक है, गारसदा तासी थे कहाँ के निवासी थे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। देखिए गारसदा तासी फ्रेंच के विद्वान थे, ऑप्शन ए सही है इनका। ठीक है, आइए करते क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। सर्वप्रथम काल विभाजन पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का क्या नाम है? देखिए सबसे पहले जो काल विभाजन पे ग्रंथ लिखा गया था तो उसका क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए स्थावर दाला लिटरेचर इंदुई आ हिंदुस्तानी 1839, ऑप्शन बी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर 1870, ऑप्शन डी मिश्र बंधु विनोद 1913। देखिए चारों ही ग्रंथ लिखे गए हैं ये किसके ऊपर, हिंदी साहित्य काल विभाजन के ऊपर, पर यहां पर कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले लिखा गया उस ग्रंथ का क्या नाम है। तो देखिए उसका नाम है ऑप्शन ए हो जाएगा स्थावर द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी गारसदा तासी के अनुसार 1839 में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाँ ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? स्थावर द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी 1839 ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ, ये ग्रंथ जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ था,
यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन बी सी तीन, ऑप्शन डी चार। देखिए स्थावर दा लिटरेचर इंदु, ये हिंदुस्तानी ग्रंथ गर्सदास जी का है, ये हुआ था दो भागों में प्रकाशित, ठीक है। पहले जब हुआ था 1839 में और दूसरा हुआ था 1847 में। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर छह, क्या है? स्थावर दा लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी 1847 ग्रंथ का पहला प्रकाशन कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो। इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि एक दूसरे से जुड़ते चले गए हैं और ये क्वेश्चन आराम से आपके लिए याद हो जाएंगे। ऑप्शन ए सन 1839, ऑप्शन बी सन 1847, ऑप्शन सी सन 1889, ऑप्शन डी सन 1913। तो देखिए स्थावर दा लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ का पहला प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? सन 1839 में। और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा सन 1847 में। आइए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या है? स्थावर दाला लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी 1839 ग्रंथ का दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? देखिए पहला इनका कब हुआ था 1839, पर यहां पे पूछा जा रहा है दूसरा प्रकाशन, ठीक है। ऑप्शन ए सन 1839, ऑप्शन बी सन 1847, ऑप्शन सी सन 1889, ऑप्शन डी सन 1913। देखिए दूसरा प्रकाशन हुआ था ये सन 1847 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गर्सदासी का जो ग्रंथ लिखा गया था कितने भागों में लिखा गया, तो इसके भाग थे दो। पहला का प्रकाशित हुआ 1839 में, दूसरा का हुआ 1847 में, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर एट। स्थावर दाला लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी 1839 ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये जो ग्रंथ है गर्सदासी के अनुसार लिखा गया था, पर ये कह रहे हैं कौन सी भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए ऑप्शन ए फ्रेंच फ्रांसीसी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी इटालियन, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। कौन सी भाषा में लिखा गया था गर्सदासी के अनुसार लिखा हुआ यह ग्रंथ स्थावर दा लिटरेचर? तो ये देखिए विद्वान कहाँ के थे? फ्रेंच के थे, फ्रांसीसी थे। अगर पूछा था कहाँ के थे गर्सदासी, तो फ्रेंच फ्रांसीसी थे और फ्रेंच भाषा में ही ये लिखा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर नौ, क्या है? स्थावर दा लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी 1847 ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो गर्सदासी के अनुसार ग्रंथ लिखा गया था उसमें कितने कवियों का वर्णन है, तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा तभी तो आप बताएंगे। तो देखिए ऑप्शन ए 738, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन देखिए मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं, ये हमारा सी हो जाएगा 952, ऑप्शन डी 962। तो देखिए ये जो इसमें कवियों का वर्णन किया गया था स्थावर दा लिटरेचर हिंदुस्तानी में 738 कवियों को वर्णन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 738 कवि। अगर आ जाता है कितने कवियों का वर्णन है, तो 738 कवियों का वर्णन है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, क्या पूछा जा रहा है? स्थावर दा लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी 1847 ग्रंथ में हिंदी कवियों की कितनी संख्या थी? देखिए अभी जो क्वेश्चन था क्या था कि कितने कवियों का वर्णन था, आप कंफ्यूज हो एग्जाम में कि कितने टोटल कवियों का वर्णन था इस ग्रंथ में, तब तो थे 738, ठीक है। कितने थे? 738 ये वाले। अगर हिंदुस्तानी कवियों के लिए पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी थी, इस तरह से पूछा जाए हिंदी कवियों का, हिंदुस्तानी कवियों का कितना वर्णन था, कितने कवि थे उसमें, तो वो थे हमारे 72 कवि थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 72, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी और 100% एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न आएगा यहाँ से। आइए पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, स्थावर दा लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी 1839 ग्रंथ, यानी कि 1839 मैंने हर जगह डाल रखा है, क्यों डाला? ये सन है प्रथम प्रकाशन की, ठीक है, रट जाएगी आपकी, कभी नहीं निकलेगी दिमाग से। ग्रंथ कितने अध्याय में है, यानी कि कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, कितने भाग हैं इसके, कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 75।
बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल बताएंगे। देखिए ये इसके कितने ग्रंथों में अध्यायों में प्रकाशित हुआ, कितने ग्रंथ में अध्याय थे, तो बोलते हमारे कितने 24, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने भागों में लिखा गया है, 24 भागों में, ठीक है, 24 अध्यायों में। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। स्थावरदा ला लित्रेत्वर इंदुई ए हिंदुस्तानी 1847 ग्रंथ कौन सी पद्धति में है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी पद्धति में लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए वर्णात्मक पद्धति, ऑप्शन बी अक्षरात्मक पद्धति, ऑप्शन सी रचनात्मक पद्धति, ऑप्शन डी कहनात्मक पद्धति। तो देखिए इसकी पद्धति है कौन सी, वर्णात्मक पद्धति है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसर ए निकल के आएगा, ठीक है।